कि प्रभु के तीन प्रकार की बातों को बताया गया है भागवत जी में। एक कि भगवान के स्वरूप कितने हैं, भगवान ने कितनी बार अवतार लिया है। तो आपको बता दें, प्रभु ने सर्वप्रथम अवतार शनकादि ऋषिवर के रूप में लिया है। शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार शनकादि ऋषिवर हैं जो प्रथम अवतार प्रभु ने धारण किया। हे राजन, ये पहला अवतार है प्रभु का। दूसरे अवतार में भगवान 12 अवतार धारण करके आए। तीसरे अवतार में नारद जी बनकर आए। चौथे अवतार में नर नारायण बनके आए। पांचवे अवतार में कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए। छठवें अवतार में भगवान दत्तात्रेय ही अवतार धारण करके आए। और हे राजन, इन अवतारों को ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि इनके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। भगवान ने दत्तात्रेय ही अवतार लिया। इसके बाद उन्होंने यज्ञ अवतार लिया, फिर उन्होंने ऋषभ अवतार लिया, फिर भृगु बनकर आए, पृथु बनकर आए, फिर भगवान जो है मत्स्य मछली का अवतार धारण करके आए। उसके बाद भगवान कच्छव अवतार लेकर आए। भगवान ने धन्वंतरी अवतार लिया, भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, भगवान ने 52 अवतार लिया, भगवान ने श्री हरि अवतार लिया, प्रभु ने परशुराम अवतार लिया, वेद व्यास जी के रूप में भगवान प्रकट हुए, भगवान ने हंस अवतार लिया, भगवान ने बलराम अवतार लिया, भगवान श्री राम अवतार में आए, फिर भगवान श्री कृष्ण अवतार में आए, फिर भगवान बौद्ध अवतार में आए, फिर अंत में भगवान के इन सभी अवतारों का एक अंतिम अवतार अभी बाकी है, और ये 24 अवतारों में से 23 अवतार जो है प्रभु ले चुके हैं। अब चौथा अंतिम अवतार जो है वो कल्कि अवतार है। तो हे राजा परीक्षित, ये कल्कि अवतार समय आने पर प्रभु धारण करेंगे। बोले, आपने इन 24 अवतारों के नाम तो बता दिए कर्मसा, लेकिन हे सुखदेव जी महाराज, हे व्यास जी महाराज, आप मुझे इन सभी अवतारों के बारे में बड़े ही विस्तार से बताइए कि भगवान ने किस समय किसके यहां पर कौन सा अवतार लिया, और अवतार लेकर के जब अवतार लिया तो किस कारण अवतार लिया। क्योंकि भगवान जब रूप धारण करते हैं, अवतार लेते हैं, तो उसके पीछे का कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही है। तो आप जो है इन सब के बारे में मुझे बड़े ध्यान पूर्वक चिंतन कराइए, ताकि मैं इन अवतारों के बारे में बड़े ही ज्ञान रूपी अमृतमयी इस कथा को श्रवण कर पाऊं। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की बात सुनी, तो राजा परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, राजन, हम आपको सर्वप्रथम इस संसार की सृष्टि किस प्रकार हुई ये बताएंगे, क्योंकि जब सृष्टि की रचना होगी तब तो प्रभु अवतार लेंगे,
बोले ठीक है। महाराज जी बताइए किस प्रकार सृष्टि की रचना हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, आपको पहले ही बात तो ये बता दें कि सृष्टि की रचना होती क्यों है, कि पहले तो विश्व की उत्पत्ति करना ये प्रभु का कार्य है, और दूसरी बात जब उत्पत्ति हो जाए तो उसका पालन करना ये भी प्रभु का ही कार्य है, और उत्पत्ति करके पालन करके और उसका संहार करना ये भी उन्हीं का कार्य है।